ऊना जिला में कूड़े से बिजली बनाने के करीब 400 करोड़ के प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने भी चुप्पी साध ली है। प्रदेश सरकार भी इस प्रोजेक्ट को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है। इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि प्रदेश सरकार को एजी डॉटर्स कंपनी की ओर से पत्र लिखे करीब 15 दिन से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन सरकार की ओर से भी इसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। इसके चलते कंपनी को अब मायूसी ही हाथ लग रही है। आज कंपनी के एमडी अजय गिरोत्रा सहित अन्य ने नगर परिषद ऊना के अध्यक्ष बाबा अमरजोत सिंह वेदी के साथ भी मुलाकात की। कंपनी निजी क्षेत्र में इस प्रोजेक्ट को लगाने के बारे में सोच रही है, लेकिन उसके लिए भी सरकार की अनुमति अनिवार्य है। सरकार का रवैया यदि ऐसा ही रहा तो ऊना जिला से यह प्रोजेक्ट छिन सकता है। ऐसे में सरकार प्रशासन को इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के लिए गंभीरता दिखानी चाहिए। हमने जब इंडिया के अंदर में प्लांट लगाने के लिए किया था ना, तो ऊना हमारा सबसे पहला शहर था जहाँ पे हमने साइन अप किया था। आज पौने दो साल 19 से 20वां महीना चल रहा है और आज भी हम यहाँ पे लैंड के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं आज ऊना इसीलिए स्पेशली आया हूँ यहाँ पे कि कोई ना कोई हम इसका हल निकालें, क्योंकि हमको ये प्लांट लगाना है। हमने भी वर्ल्ड वाइड अपना पूरे उसमें डिक्लेयर किया हुआ है कि हम ऊना के अंदर प्लांट लगा रहे हैं और हमको ये प्लांट लगाना है। अगर सरकार सपोर्ट नहीं करती तो हम खुद करेंगे उसको, पर प्लांट जरूर लगाएंगे यहाँ। तो आप क्या निजी क्षेत्र में फिर जगह लेंगे? अब नई सरकार जमीन देती तो निजी क्षेत्र में लेनी पड़ेगी जमीन, उसके अंदर में कोई और दूसरा हमारे पास चारा नहीं है। बट कोशिश तो हमारी है कि सरकार अगर 19 महीने में जो एक छोटे से शहर के अंदर में 450 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का प्लांट जो इस शहर को बिल्कुल ज़ीरो वेस्ट बना सकता है, अपनी बिजली, अपना फ्यूल, अपना डीजल पैदा कर सकता है, अपना पानी पैदा कर सकता है, उस प्रोजेक्ट को मना कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम ठीक है, निजी क्षेत्र में कर लगाएंगे अपना, अगर हमें जमीन ढूंढते हैं। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपका कूड़े जो है बाहर फेंकेंगे, इस कारण वो आपको जगह नहीं दे रहे। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट अगर कह रहा है कि हम कूड़ा बाहर फेंकेंगे, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को एक चीज़ समझनी चाहिए कि हम एक वेस्ट प्रोसेसिंग कंपनी है। हमारा जीरो वेस्ट, जीरो स्टॉक रखते हैं हम रोज का उठा के रोज ही अंदर, और हमारे से ना कोई कूड़ा सेग्रीगेट होके बाहर फेंका जाता है, ना कोई राख निकलती है, ना कोई धुआं निकलता है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को हमसे बातचीत तो करनी चाहिए ना कि हमारे, ये तो जानेंगे हमारी टेक्नोलॉजी है क्या। जो टेक्नोलॉजी नासा में यूज़ होती है, आर्म फोर्सेस में यूज़ होती है, जो जीरो वेस्ट है और वर्ल्ड की सबसे एडवांस्ड है, अगर उस टेक्नोलॉजी को मना कर सकते हैं और उसको सोचते हैं कि हम कचरा फेंकेंगे, ये तो इनफैक्ट वो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए एक बूम है कि वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया एक जीरो वेस्ट से बन सकता है। और वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया की जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। हमारा तो प्लांट बनाने के बाद हमें देखे ना, यहाँ पे अपना पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री कंट्रोल डिपार्टमेंट है। अगर उनको लगता है कि हम बाहर कचरा फेंक रहे हैं और हमारा प्लांट गंदा और उसमें उससे इंडस्ट्रियल एरिया गंदा हो रहा है, अगले दिन बंद कर दीजिए। हम इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं? हमें मालूम है कि हम किस तरह से काम करते हैं। वी विल मेक द प्लांट द इंडस्ट्रियल एरिया द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस। हमारे तो प्लांट्स के बाहर पता ही नहीं चलता कि ये वेस्ट का प्लांट है। इट्स सो एडवांस टेक्नोलॉजी। अभी जहाँ ऊना में कूड़ा संयंत्र का प्रोजेक्ट लगना था, अभी बीच में लटका, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो सिर्फ आग्रह कर सकता हूँ सरकार से कि जल्द से जल्द ज़मीन उपलब्ध करवाई जाए हमें। हमने दो प्लॉट देखे थे इंडस्ट्रियल एरिया में, बट कई कारण दिए जा रहे हैं कि वहाँ कूड़े का ढेर लगेगा। जो इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कूड़े का ढेर नहीं लगाया जाएगा, इट्स अ प्रोसेसिंग प्लांट, जैसे गन्ने की फैक्ट्री होती है, जितना आएगा उतना ही कंज्यूम हो जाएगा उसी समय। और अगर सब हमें भी चाहेंगे कि अगर इन्होंने इतनी गारंटी ली है 400 करोड़ रुपए की और इनको अगले दिन हम बंद कर दें बिकॉज उन्होंने ढेरी लगाई हो, तो द रिस्क इज़ कम्प्लीटली देयर्स। सो हमें एक बार ही रिस्क लेना चाहिए। हम अभी भोपाल होके आए थे, उनकी BMC देखी थी, वो बहुत साल आगे है और उनका सिर्फ ये है कि उनके जो छोटे लोकल बॉडीज़ हैं और जो स्टेट है उसकी बहुत अच्छा तालमेल है। सो मैं आग्रह करूँगा, हमने 3-4 गाड़ियाँ लेनी थी, उसकी जगह हमें बताया जा रहा है कि साइकिल की रिक्शा ले लो। सेग्रीगेटेड वेस्ट के लिए हमें तो आने, अगर प्लांट लग जाए तो सेग्रीगेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रोजेक्ट फॉर हिमाचल प्रदेश एंड आई होप इंडस्ट्रियल एरिया इसको या गवर्नमेंट इसको पर्सनली ले और इसको अनुमति दी जाए। दिव्य हिमाचल TV के लिए ऊना से अनिल पटियाल और मुनिंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट। मिस हिमाचल ब्रॉट टू बाय डाबर आमला, जो देता है मजबूत और खूबसूरत बाल। मिस हिमाचल 2020 के ऑडिशन शेड्यूल।
तो हम आ रहे हैं आपके शहर धर्मशाला 10 फरवरी, पालमपुर 11 फरवरी, मंडी 12 फरवरी, कुल्लू 13 फरवरी, हमीरपुर 14 फरवरी, ऊना 15 फरवरी, बद्दी 17 फरवरी, शिमला 18 फरवरी और सोलन शहर 19 फरवरी।